हेलो एवरीवन सो लास्टली हम डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एंड हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में बायोटेक्नोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा था कि एक्चुअली व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी ये किस दो टर्म से मिलके बनी हुई है इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या थे आइडियोलॉजी के बेसिस पे इसे ट्रेडिशनली किस पोर्स किस व्यू से देखा जाता था एंड मॉडर्न वे इसका क्या था सो so, एक रिविजन के तौर पर देखते हैं ट्रेडिशनल एंड जो हमारा मॉडर्न व्यू था सो ट्रेडिशनल व्यू वो है कि कोई भी एक सेल है ऑर्गेनिज्म है उससे जो भी प्रोडक्ट सिक्रिएट हो रहा है उसे कलेक्ट करना जैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन करना किसी लार्ज स्केल में नाउ मॉडर्न मॉडर्न व्यू क्या कह रहा था मॉडर्न व्यू ये कह रहा था जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारा डीएनए है आर एन होता है सो जनरल केसेस में डीएनए होता है इसलिए ज्यादातर डीएनए लिखा होता है लेकिन वायरस के केसेस में आर भी होता है तो वी विल टेक जेनेटिक मटेरियल सो जेनेटिक मटेरियल को जहां पे हम मैन्यूपुलेट करते हैं एडवांस साइंसेस लगा के वो उसका हो जाता है मॉडर्न व्यू इसी दोनों व्यूज को मिला के यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक इंटीग्रेटेड एक ज्वाइंट बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी जो हमने प्रॉपरली वर्ड बाय वर्ड पिछले वीडियोज में देखी थी नाउ इसके आगे फिर हमने एक जनरल डिस्कशन किया था जो हमारे बायो, बायो के प्रिंसिपल्स थे सो so, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स थे एंड ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हमने जेनेटिक मटेरियल को मैन्यूपलेट किया था या जिसमें हम ऑल्टर करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के जेनेटिक मटेरियल को सो दिस इज ऑल्टर करना इसमें हम ऑल्ट्रेशन करते हैं जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था वो था एक स्टेराइल इन्वामेंट को मेंटेन करना स्टेराइल <coughs> इन्वायरमेंट को मेंटेन करना ताकि हमें जो सेल ऑर्गेनिज्म या उसका कोई भी पार्ट या कोई भी एनालॉग मॉलिकुलर एनालॉग हमें कलेक्ट करना है लेना है उसके लिए प्रॉपर ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की ज़रूरी है एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक इसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें वो फुल प्रपोर्शनली ग्रो कर सकता है एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें रिलीज़ करके दे सकता है सो so ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड Maintenance of the sterile environment for the proper growth and maintenance of the gene or the host. Host wo hoga jiske andar desired gene present hogi Now next humne discuss kiya tha कि biotechnology के जो process होते हैं उसको complete करने के लिए हमारे पास क्या tools होने चाहिए. So for that हम tools में अगर देखें तो tools में पहले था हमारे enzymes. Okay. एंजाइम्स so, में हमने सबसे पहला एंजाइम जो देखा था वो था मोलिक्युलर सिजर्स मोलिक्युलर सिजर्स क्या होते हैं इसको हम डिटेल में आज देखेंगे कि मोलिकुलर सिजर्स क्या होते हैं एंड ये कैसे वर्क करते हैं सो बेसिकली एंजाइम्स में मोलिक्युलर <coughs> मोलिकुलर सिजर का मतलब होता है जो भी मोलिक्यूल को कट करता है scissors मतलब कट करना तो जो भी मोलिक्यूल में कट करता है वो हो जाते हैं मोलिकुलर सो माइक्रोबायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी में मोलिकुलर सिजर्स दो होते हैं एग्जो न्यूक्लिएजिस एंड एंडो न्यूक्लिए सी न्यूक्लिएज वो सारे एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लिएज वो सारे एंजाइम्स होंगे जो न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करेंगे या लाइसिस करेंगे सो द वर्ड एज कम्स फ्रॉम एंजाइम कोई भी एज होता है तो उसमें एंजाइम का नाम होता है एंड आगे का जो प्रीफिक्स होता है वो कोई एक मॉलिक्यूल होता है जिस पे वो एंजाइम एक्ट करता है सो so न्यूक्लिएजिस का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल जो है या जो पर्टिकुलर एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड को ही लाइसिस करेगा करेगा या उसे डिग्रेड ओके सो अब इसके फर्दर जाते हैं एक्सो एंड एंडो एक्सो वर्ड आता है बाहर की तरफ से एंडो इज जो बीच का या अंदर का वर्ड है सो so, एक्जो ऐसे न्यूक्लियज होते हैं ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं बाहर की तरफ से एंड एंडो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं अंदर की तरफ से अब ये वर्क कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये डी एन स्ट्रैंड है तो एंडोन्यूक् एग्जोन्यूक्लिएज बाहर से एक्ट करेंगे एंडोन्यूक्लिएज इस पूरे एरिया में कहीं पे भी एक्ट करके डीएनए को लाइसिस कर सकता है या डीएनए को डिग्रेड कर सकता है या न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर सकता है बट ये किस पोजीशन पे एक्ट करेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है पहला प्रेजेंस ऑफ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ओके सो प्रेजेंस ऑफ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पहले देखते हैं क्या होता है सो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है जिसमें हम अगर फाइव टू थ्री डायरेक्शन हम डीएनए को हमेशा फाइव टू थ्री डैश थ्री डैश टू फाइव डैश डायरेक्शन में हम इसे रीड करते हैं सो फाइव टू थ्री डायरेक्शन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का या न्यूक्लिक एसिड जो बेसिस है सीक्वेंसेस है उसे रीड करना एंड थ्री टू फाइव डायरेक्शन में रीड करने पे अगर सीक्वेंस सेम हो जैसे एनसीआरटी में एग्जाम्पल है रीडिंग मलयालम सो so, अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखें तो विल गेट एम ए एल ए वाई ए एल ए एम और अगर हम इस डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो स्टिल अगेन ये हो जाएगा एम ए एल ए वाई ए एल ए एम सो ये ऐसे सीक्वेंसेस जो होते हैं या रिपेटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ये होते हैं पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस सो ऐसे ही डी में फॉर एग्जाम्पल जी ए ए टी सी इफ इट इज फाइव डैश थ्री डैश तो अगेन इसका थ्री डैश एंड फाइव डैश हो जाएगा सी देन टी टी ए जी सो यहां से हमने रीड किया फाइव से थ्री डायरेक्शन में तो स्टिल वील गेट दिस एंड यहां से भी हमें एक ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस मिलता है सो so, ऐसे केसेस में पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस ये कहलाएँगे एंड ऐसे केसेस में न्यूक्लिक जो न्यूक्लिए है या एंडो न्यूक्स है वॉट इट डज ये पहले पैलेंड्रोम सीक्वेंस को स्कैन करेगा पूरे डीएनए में सो so फर्स्ट ये करेगा स्कैनिंग स्कैनिंग फॉर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलेंड्रोम्स पैलेंड्रोमिक so, सीक्वेंस के लिए जो मॉलिक्यूल है या ये एंजाइम है ये पूरे डीएनए स्ट्रैंड को पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के लिए स्कैन करेगा एंड जिस जिस प्लेस पे उसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेंगे उस प्लेस पे जो हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है सो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है किसी भी न्यूक्लिक एसिड की उस पे एक्ट करके उसे डिजोल्व करता है सो so, हमें हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मोलिकुलर सिजर्स का काम करेंगे एंड ये मोलिकुलर सिजर्स का काम क्या होगा डीएनए को एक पर्टिकुलर पोर्शन से कट करना कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियजेस होते हैं जो अंदर से कट करते हैं एंड अगर हमें बाहर की क्लीविंग करनी है वो हम यूज करते हैं एक्जोन्यूक्लियज के टाइम पे सो so, बट क्योंकि ज्यादातर हमारा जो डीएनए का पार्ट है जो डिजायर्ड जीन है वो हमेशा अंदर की तरफ रहता है तो हमें अंदर से कट करना होता है एंड अंदर से कट करने के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं एंडो का ये एंडो सिर्फ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही एक्ट करते हैं सो so, हर एंडो का एंडो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं सो so, हर एंडो का एक खुद का यूनिक एक्शन साइट होगा वो उसका यूनिक पैलेंड्रोम सीक्वेंस होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईको e आर वन ले हिंद टू ले, देन वाम एच वन ले इन सब के जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे सो पूरे डीएनए में एक साइट या एक से ज़्यादा साइट हिंद टू की हो सकती है एक से ज़्यादा साइट या एक साइट बैम एच वन की हो सकती है इको आर वन की हो सकती है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डीएनए में बैम एच वन की साइट ना हो अगर वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगा तो बैम एच वन की साइट नहीं होगी या फिर हिंद टू की जो पर्टिकुलर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है वो नहीं है तो वो हिंद टू उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा सो फॉर एग्जाम्पल अगर ईको आर वन की इस पर्टिकुलर डी एन ए में कोई पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है तो ईको आर वन सबसे पहले स्कैन करेगा पूरे डी एन ए को जहाँ पे वो चेक करेगा कि कौन कौन सी पर्टिकुलर साइट्स हैं जहाँ पे उसका खुद का स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है एंड जहाँ पे वो सीक्वेंस उसका प्रेजेंट होता है वहाँ से वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो है उसे कट कर देता है तो दिस इज एक्चुअली अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन सो इसे बैकबोन को वो कट कर देता है नाउ नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है जब शुगर फॉस्फेट बैकबोन कट होगी तो हमारे पास जो कट वाले एंड रह जाते हैं वो एंड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है ब्लंट एंड एंड एक होता है स्टिकी एंड सो वॉट इज ब्लंट एंड एंड वट इज स्टिकी एंड सी सपोज ये हमारा एक डी एन ए का स्ट्रैंड है दिस इज फाइव डैश थ्री डैश फाइव डैश एंड थ्री डैश यहाँ पर हमारे कुछ न्यूक्लोटाइट के सीक्वेंसेज हैं एंड सपोज इस एरिया में एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है सीक्वेंस है फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बैम एच वन ओके सो सपोज पूरे डीएनए है डीएनए के स्टैंड में सिर्फ इस एरिया पे बैम एच वन का पेलिड्रोमिक सीक्वेंस है सो फर्स्ट स्टेप जो हमने देखा था कि बैम एच वन क्या करेगा बैम एच वन विल स्कैन पहली चीज स्कैनिंग होगी तो बैम एच वन पूरे डायरेक्शन में स्कैन करेगा कि कहाँ पे उसके पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है एंड नाउ <coughs> जब उसे अपनी इस पोजीशन पे इसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिल जाएगा तो अब वो यहाँ पे एक्ट करना शुरू करेगा जब यहाँ पे एक्ट करेगा तो एक्ट करने का जो सेकेंड पॉइंट होता है कैसे एक्ट करता है इट लाइगेट सॉरी लाइसिस ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन ओके okay? सो so, लाइसिस ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन सो so, अगर यहां से है तो एक पैलिनड्रोम सीक्वेंस छोड़ के वो इसे कट करेगा एंड इधर कट करेगा सो so, अब अगर हम देखें तो हमारा डीएनए जो है वो इतना ये पोर्शन जो है ऑलरेडी कट हो चुका है ओके okay? सो so, ये जो बैकबोन थी हमारी शुगर फॉस्फेट की ये क्लीव हो गई है ये डिग्रेड हो चुकी है तो ये बैकबोन कट हो चुकी है अब क्योंकि ये अगर हम इस एजेस की बात करें जो हमारे एज होते हैं जो किनारे होते हैं जो कट होने के बाद हमें मिलते हैं वो एज इस केस में पर्टिकुलर ऐसा था ऐसे एजेस को हम बोलते हैं ब्लंट एंड So, कई सारे एंडो होते हैं जो जनरेट करते हैं ब्लंट एंड बट कई सारे ऐसे एंडो होते हैं जो ऐसा ब्लंट एंड ना क्रिएट करके दिस इज अगेन फाइव डैश थ्री डैश फाइव डैश थ्री डैश वो यहां से सॉरी वो यहां से क्लीव करेंगे एंड यहां से क्लीव करेंगे सो so, हमारे पास जो मॉलिक्यूल बचता है वो कुछ ऐसा बचता है ओके okay, सो so, कुछ ऐसे एंड्स हमें मिलते हैं एंड ये जो एंड्स होते हैं ये जो एंड्स होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लिक एसिड का जो बेस पेयरिंग है उसकी स्पेस अभी भी बची हुई होती है वो सैटिस्फाई नहीं होती है एंड दे है इसलिए हम इन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड्स क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टिक हो जाते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड बॉन्डिंग करते हैं सो so, जो नेक्स्ट हमें मिलता है वो हो जाते हैं स्टिकी एंड्स सो so, यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है इस पूरे एंजाइम्स के पोर्शन में से कि पहली चीज मोलिकुलर सिजर किसे बोलते हैं सो मोलिकुलर सिजर्स होते हैं हमारे न्यूक्लियसिस एंडोप्लाज्म सॉरी एंडोन्यूक्लिय एंडो न्यूक्लियसिस आर मोलिकुलर सिजर्स सेकेंड थिंग एंडो न्यूक्लिय वर्क कैसे करते हैं सो पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वॉट आर पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस चार ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें एक रिपिटेटिव सीक्वेंस हो सकता है बाकी ऑल्टर सीक्वेंस हो सकते हैं जो रेपिटेटिव सीक्वेंस होगा वो उसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होगा सो पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे आ सकता है क्वेश्चन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में हमें इको आर वन का सीक्वेंस एटलीस्ट हमें याद होना चाहिए कि इको आर वन का क्या सीक्वेंस है क्योंकि कई बार एम्स जैसे क्वेश्चन में एम्स जैसे पेपर में इको आर वन का पेलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं देन जो एंजाइम है वो किस बॉन्ड पे अफेक्ट करता है किस बॉन्ड पे अफेक्ट करता है वो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन या शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है सो so, एक पैलेंड्रोम हम सीक्वेंस देख लेते हैं तो दिस इज जी ए ए टी टी सी एंड इसको आप अगर ऑपोजिट करोगे तो दिस विल बी टी टी ए जी ओके सो यह एक वन का पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस सो so क्वेश्चंस अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहां से आ गए पहली चीज मोलिकुलर सीजर क्या होता है दूसरी चीज मोलिकुलर सीजर कहां काम करते हैं आंसर विल बी पेलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे

पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस या एक्ट करने की साइट एक हो सकती है नेवर क्योंकि सबका सेम जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है वो नहीं होता सबका डिफरेंट होता है सो so, पूरी जो डीएनए की लेंथ है या जो पूरी डीएनए की सीक्वेंस है उसमें यू विल हैव डिफरेंट सीक्वेंसेस डिफरेंट सीक्वेंसेस होंगे एंड वहां पे अलग अलग पेलेंड्रोम प्रेजेंट uh, हो सकता है सो साइट डिफरेंट होगी सो so, सपोज अगर ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है या इस पर देख लेते हैं ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है तो ऐसा हो सकता है यहां से यहां तक डैम एच का हो देन फ्रॉम हेयर टू हेयर इको आर वन का हो सो पूरे डी एन ए सीक्वेंस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइट होती है जहां पर ये सारे एनजाइम्स वर्क करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है एजेस पे आते हैं कि कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या कौन से एंडोन्यूक्लियज ये स्टिकी एंड प्रोवाइड करते हैं या ब्लंट एंड प्रोवाइड करते हैं सो दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ न्यूक्ज नेक्स्ट हम दूसरे एंजाइम्स पे जाएंगे दूसरे एंजाइम्स जो हैं हमारे टूल्स में वो होते हैं डीएनए लाइगेजेस। सो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क करते हैं एक मॉलिक्यूल को कट करने में सो so वैसे ही जो लाइगेजेस हैं वो दो मॉलिक्यूल्स या जो तो कट मॉलिक्यूल्स हैं उनके एंड को सील करते हैं उनके एंड को ज्वाइन करते हैं सो so, ये हमारे एडहेसिव या ग्लू लाइक -like एंजाइम्स होते हैं एंड सो फर्स्ट हमने देखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि हमने दो पढ़े एग्जो न्यूक्लियजिस एंड एंडो न्यूक्लियजिस

सो so ऑब्वियसली ये स्टिकी एंड जो है उसमें अट्रैक्शन होगा अट्रैक्शन होगा तो ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री होके अपना बॉन्डिंग करेंगे एंड बॉन्डिंग की प्रोसेस को और मजबूत करते हैं लाइगेजेस सो लाइगेजेस का कोई ऐसा मेन मेकेानिज़म नहीं होता कि कैसे वो जोड़ते हैं बस ये एक सीलिंग प्रोवाइड करा देते हैं सो दीज आर कॉल्ड एज डी एन ए ग्लू डी एन ए एंड इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो